हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने एक्सेलरेशन तक किया था, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंड इट्स टाइप्स, यूनिट्स, डायमेंशन सब डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमें दो टाइप के हमारे पास सिलेबस में हैं ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ एंड सेकेंड वन इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है बच्चों, अब देखो, ग्राफ करने से पहले थोड़ा सा मैं ग्राफ के बारे में डिस्कस करूँगी। जब भी हम ग्राफ बनाते हैं, हमारे पास दो क्वांटिटी होती है, एक डिपेंडेंट क्वांटिटी और एक क्या होती है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है वो आप हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग लोगे, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है, जो डिपेंडेंट होती है वो वाई एक्सिस के अलोंग लेनी है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने कहा कि दो टाइप के ही हैं हमारे पास सिलेबस में, पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सिंपल सी बात है, इसमें अगर हम देखें पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ में हमारे पास दो क्वांटिटी है यहाँ पर, पोजीशन एंड टाइम। तो जो पोजीशन है वो क्या है, वो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है कि आप कौन से टाइम पर उसकी पोजीशन को मेज़र करोगे। अकॉर्डिंग टू टाइम आप पोजीशन को मेज़र कर रहे हो, दैट मीन्स पोजीशन किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो पोजीशन क्या है, एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है, और टाइम क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। सेम इन केस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सेम क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में है, टाइम क्या है, इंडिपेंडेंट है। टाइम वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि भाई वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है, वेलोसिटी डिपेंड करेगी टाइम पे कि कितने टाइम के बाद आपने वेलोसिटी नोट की है। ठीक है, तो वेलोसिटी डिपेंड कर रही है टाइम पे, तो आप वाई एक्सिस के अलोंग लोगे वेलोसिटी और एक्स एक्सिस के अलोंग क्या लोगे, टाइम। ठीक है, अब हम करते हैं ग्राफ स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पोजिशन टाइम ग्राफ। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। देखो, इसमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं, और वो सब डिस्कस करने से पहले दोबारा से मैं आपको याद दिला देती हूँ, हमने दो टाइप के मोशन पढ़े थे, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन हमने क्या कहा था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, सॉरी, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, तब हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में है। दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, मान लो हर 5 मिनट में वो 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, हर 5 मीटर में क्या कर रहा है, 10 मीटर, या फिर हर 5 मिनट में क्या कर रहा है, 15 मीटर। यानी टाइम इंटरवल जो है वो भी इक्वल है और जो डिस्टेंस कवर की है वो भी इक्वल है, तब उसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमने क्या किया था, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, और अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यानी या रेशो अनइक्वल होना चाहिए, या तो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, यानी हम इक्वल इंटरवल्स ले रहे हैं उसमें हमने मेजर किया कि अनइक्वल डिस्टेंस मेजर कर रहा है। ठीक है, या अनइक्वल डिस्टेंस मेजर कर रहा है अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, कुछ भी ले सकते हो, तो वो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो आप मोस्टली आपने ने देखा ही है, मैं यहाँ से सपोज करो अपने घर से स्कूल की तरफ जाती हूँ, तो कौन सा मोशन होगा नॉन यूनिफॉर्म। मान लो मैं स्कूटी पे यहाँ से निकली, रोड पे कोई नहीं है, मैं पूरी स्पीड के साथ निकली हूँ, आगे रश है तो स्पीड कम हो जाएगी, सपोज करो आगे कोई व्हीकल भी आ जाता है रास्ते में तो मुझे ब्रेक भी लगानी पड़ेगी, दैट मीन्स क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं वहाँ पे, तो क्या हो गया, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो और एक हमने किया था रेस्ट और मोशन। रेस्ट आपको पता है, जब पोजिशन चेंज नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स एंड टाइम, तब हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट किस पोजिशन, सॉरी, ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की कॉन्टिन्यूसली पोजिशन चेंज होती है, तब हम कहते हैं ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है। तो ये कुछ एक केसेस हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हमने क्या करना है, पोजिशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। कोई टिपिकल नहीं है, जब हमें सारी स्टेटमेंट्स पता है, हमें सारे केसेस पता है, उसको सिंपल हमें ग्राफ में शो करना है।
तो जैसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और स्टेशनरी। स्टेशनरी का भी मतलब क्या है? रेस्ट ही है। देखो जब उसने रेस्ट बोल दिया तो इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट जो जहाँ पे है वो वहीं पर है। तो हम ग्राफ ड्रॉ करें, अगर कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये हमारे पास क्या है? टाइम एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है? पोजीशन एक्सिस है। ठीक है, तो देखो उसने कहा है ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। सपोज करो ये बोर्ड जो है ये मेरा क्या है? रेफरेंस पॉइंट है या ओरिजिन है। ठीक है, मेरी यहाँ से डिस्टेंस कितनी है? 5 मीटर है। सपोज करो तो अभी भी 5 मीटर है, थोड़ी देर बाद चेक किया फिर भी 5 मीटर है, 1 घंटे बाद चेक किया फिर भी 5 मीटर है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट पर है, हिलना नहीं है ऑब्जेक्ट ने, पोजीशन उसकी वहीं की वहीं रहेगी। तो हर बार क्या आ रहा है? 5 मीटर ही आ रहा है ना, यानी उसकी पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो आप सिंपल सी बात है, अगर मैं हर टाइम पे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल पे नोट करती हूँ, तो सपोज करो मैंने अभी तो एक्स 5 मीटर बोला है, एक्स नोट है सपोज करो, वैसे ही कोई वेरिएबल ले लिया, तो हर इंटरवल ऑफ टाइम पर क्या है? उसकी पोजीशन सेम आ रही है। यानी अगर मैं ऐसे करूँगी हर बार क्या हो रहा है? पोजीशन सेम आ रही है। तो जब इन सभी पॉइंट्स को मिलाएंगे हमारे पास क्या आएगी? स्ट्रेट लाइन। तो आप ये कह सकते हो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और एट स्टेशनरी देन वी गेट अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। जब हम पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे देन हमें क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो क्या है? टाइम एक्सिस के पैरेलल है। क्लियर है? अब बात आती है सेकंड केस है। सपोज करो हमारे पास व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन का केस हमने क्या पढ़ा था? यूनिफॉर्म मोशन हमने पढ़ा हुआ है कि यूनिफॉर्म मोशन में क्या है? ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आपने जो रेफरेंस पॉइंट लिया है वो कहाँ है, वो ओरिजिन पे है, ओरिजिन के लेफ्ट है या ओरिजिन के राइट है, या नेगेटिव एक्सिस से है, वो डिपेंड करता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ड्रॉ करना है। तो जब इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या आएगा हमारे पास? जैसे सपोज करो मैं लेती हूँ, उसने क्या किया 2 सेकंड के अंदर, वैसे एग्जांपल लिया मैंने 5 मीटर डिस्टेंस की, फिर 2 सेकंड के अंदर उसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर की, फिर 2 सेकंड के अंदर उसने 5 मीटर डिस्टेंस की, फिर 2 सेकंड के अंदर उसने 5 मीटर, यानी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगी, मैंने ऐसे बनाना है रेशियो, इंटरवल्स ये आएंगे हमारे पास डिवीजन से ये बनेंगे। ठीक है, और यहाँ पे बना दो 5, 10, 15, 20, 25। तो देखो 2 सेकंड में उसने कितनी कवर की? 5 मीटर। 2 और 2 कितने हो गए? 4 सेकंड। 4 सेकंड में टोटल डिस्टेंस कितनी हुई? 10 मीटर। 6 में कितनी हुई? 15 मीटर। फिर 8 में कितनी हुई? 20 मीटर। तो आप जब शुरू में क्या है? ओरिजिन पे क्या है? 0 है ना, रेफरेंस पॉइंट से अगर आप लेते हो तो हमारे पास क्या आएगा? एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लेकिन अगर रेफरेंस पॉइंट है नेगेटिव एक्सिस तो आप यहाँ से ड्रॉ करोगे। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपको क्या केस दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, हमने क्या देखा? ओरिजिन पे तो देखो पोजीशन क्या होगी? 0 पे ही होगा। 0, 0 होते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, और ओरिजिन के ऊपर क्या होते हैं? 0, 0। तो हमने क्या देखा? हर 2 सेकंड में वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, हर 2 सेकंड में वो 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये तो हमने एक एग्जांपल लिया था। ठीक है, केस कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें इतना पता है कि अगर वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो हमारे पास एक क्या आता है ग्राफ में? एक स्ट्रेट लाइन आती है विच इज इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस, जो टाइम एक्सिस की इंक्लाइंड होगी। तो हमारे पास ग्राफ कैसे बनेगा? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस वन इज टाइम एक्सिस ओरिजन एंड दिस वन इज पोजिशन एक्सिस। ठीक है, तो हमारे पास ग्राफ क्या आएगा? एक स्ट्रेट लाइन। क्या आएगी ग्राफ? स्ट्रेट लाइन। अच्छा, एक चीज और, सपोज करो मैं दो कोई पॉइंट ले लेती हूँ, ये T1 है, ये T2 है। T1 पे उसकी पोजिशन आती है X1, T2 पर आती है X2।
तो हमें पता है हम स्लोप कैसे निकालते हैं, हम स्लोप निकालते हैं टेंजेंट से, या फिर आप कह सकते हो चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट ओवर चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। तो चेंज कितना हुआ वाई कोऑर्डिनेट में, एक्स टू माइनस एक्स वन, और यहाँ कितना हुआ टी टू माइनस टी वन। यहाँ क्या आया चेंज इन पोजिशन ओवर टाइम टेकन, यानी जितना टाइम में पोजिशन चेंज हुई है, और ये चेंज इन पोजिशन को हम क्या कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या बन गया वेलोसिटी। यानी आप ये भी कह सकते हो कि पोजिशन टाइम ग्राफ में अगर हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा स्लोप। दैट मीन्स एक नंबर में क्वेश्चन बनता है, वन मार्क एमसीक्यूज आएंगे, स्लोप ऑफ पोजिशन टाइम ग्राफ व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर इफ वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी यूजिंग पोजिशन टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन देन वी हैव टू कैलकुलेट स्लोप ऑफ दैट ग्राफ। उस ग्राफ का हमें क्या करना पड़ेगा स्लोप कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर है, नोट करेंगे। अब हमारे पास थर्ड केस आता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट, इज मूविंग विद कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी। देखो हमें क्या दिया हुआ है नेगेटिव वेलोसिटी, डायरेक्शन क्या है इसका मतलब वेलोसिटी क्या होती है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी के उसने आगे क्या है माइनस लगा दिया है ना, नेगेटिव बोला है। तो हम कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वही एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम, इसके अलोंग पोजिशन, यानी पोजीशन चेंज तो होगी। देखो नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब समझो, तो नेगेटिव वेलोसिटी है, मुझे पोजीशन फाइंड करनी है सपोज करो, और मुझे वेलोसिटी और टाइम पता हो, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है ना, यानी एक्स टू माइनस एक्स वन ओवर टाइम ले लेते हैं टी, यही होगा, वैसे तो टी टू माइनस टी वन लेंगे, चलो कोई बात नहीं, एक्स टू माइनस एक्स वन यानी फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन। ये माइनस में कब आएगा, ये माइनस में तब आएगा, अब टाइम तो नेगेटिव नहीं हो सकता, दैट मीन्स जो पहले डिस्टेंस थी वो क्या है ज़्यादा, और जो फाइनल पोजिशन वो क्या है कम। यानी मान लो अगर मेरे पास ये है रेफरेंस पॉइंट या ओरिजन, तो इसका मतलब क्या है पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, कितनी डिस्टेंस कवर की उसने, मान लो कितनी की है 5 मीटर, इसका मतलब नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है, अब वो यहाँ से इधर आ रहा है, यहाँ से इधर आ रहा है यानी टुवर्ड्स द ओरिजन, उधर नहीं जा रहा, पोजिशन इंक्रीज नहीं हो रही ना, तो डिस्टेंस ओरिजन से क्या हो रही है कम हो रही है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है नेगेटिव है, वेलोसिटी क्या है नेगेटिव, इसका मतलब पोजिशन क्या हुई है, पोजिशन डिस्टेंस क्या हुई है कम हुई है। भाई पहले कुछ ना कुछ डिस्टेंस थी, उसके बाद जब वो नेगेटिव वेलोसिटी बोल रहा है तो टाइम के साथ साथ उसकी डिस्टेंस क्या होती जा रही है कम होती जा रही है। जैसे अगर एग्जांपल हो भाई पहले तो x2 थी ठीक है, धीरे 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 टाइम बढ़ता जा रहा है, जब टाइम बढ़ता जाएगा तो ये क्या होता जाएगा, ये तो ज़्यादा है, ये क्या होता जाएगा कम, कम होता जाएगा, और एक पॉइंट पर आकर वो क्या हो जाएगा नेगेटिव वेलोसिटी की वजह से रेस्ट पर आ जाएगा। तो इसीलिए पोजिशन टाइम ग्राफ बनेगा नेगेटिव कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम केस लेते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हमने क्या लिया नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अब याद कराती हूँ दोबारा से, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, उसी को हमने क्या कहा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कभी स्पीड से चल रहा है, कभी रुक गया, कभी कम स्पीड से चल रहा है, यानी अनइक्वली हो रहा है हमारे पास,
है ना, क्या हो रहा है, अनइक्वली हो रहा है। तो उसके लिए आप ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, ये हमारे पास टाइम एक्सिस, ये हमारे पास पोजीशन, यानी हमारे पास ऐसे कर्व में जा रहा है, फिर ऐसे कॉन्स्टेंट हो जाती है, कुछ भी दिखा सकते हो आप। तो वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी पोजीशन टाइम ग्राफ क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा। क्लियर है, समझ आ गया। देखो एक चीज़ और बताती हूँ, एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि इज़ इट पॉसिबल इन पोजीशन टाइम ग्राफ वी गेट अ स्ट्रेट लाइन विच इज़ पैरेलल टू पोजीशन एक्सिस, विच इज़ पैरेलल टू पोजीशन एक्सिस। अभी हमने पैरेलल टू टाइम एक्सिस आया था हमारे पास जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, लेकिन ये क्या कह रहा है, पैरेलल टू पोजीशन एक्सिस, यानी ऐसे। इसका मतलब तो ये है कि भाई टाइम तो यही वही है, सेम टाइम की बात कर रहा है, और पोजीशन क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। तो जब मैं चेंज इन टाइम लूँगी t2 - t1, दोनों टाइम क्या है, सेम, वो कितना हो जाएगा, ज़ीरो। तो हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी, x2 - x1 जो भी आएगा बाय ज़ीरो। दैट मीन्स वेलोसिटी क्या बन गई, इनफाइनाइट। वेलोसिटी क्या बन गई, इनफाइनाइट, एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए हम यहाँ पर रीज़न लिख सकते हैं कि नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट अ स्ट्रेट लाइन इन पोजिशन टाइम ग्राफ विच इज पैरेलल टू पोजिशन, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स इनफाइनाइट वेलोसिटी, इट इंडिकेट्स इनफाइनाइट वेलोसिटी। क्लियर है, 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है ये, नोट करें। देखो अभी हमने क्या किया था, पोजिशन टाइम ग्राफ किया था फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब हम करते हैं पोजिशन टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलेटेड मोशन। अभी तो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ली थी ना हमने, एक्सेलेटेड नहीं था वो। अब एक्सेलेटेड मोशन का मतलब क्या है, वहाँ पे एक्सेलेशन है, और एक्सेलेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। दैट मीन्स यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं कि सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट जो है दैट इज़ हैविंग यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलेशन। यानी फर्स्ट हम करते हैं पोजिशन टाइम ग्राफ ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव का तो मतलब पता चल गया आपको, वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और यूनिफॉर्म का मतलब है देयर इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, है ना, यही बनेगा। तो पोजिशन टाइम ग्राफ क्या आएगा इसके लिए, दिस वन टाइम एक्सिस, पोजिशन कॉर्ड, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इक्वल चेंज हो रहा है। देखो एक्सेलेरेशन का हम कह रहे हैं पोजिशन के साथ, एक्सेलेरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन पोजिशन अपॉन टाइम, चेंज इन पोजिशन अपॉन क्या बन गया, टाइम स्क्वायर। यानी इन शॉर्ट हम ये कह सकते हो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, डेरिवेटिव के केस में चलेगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, ये एक कॉर्ड आएगा। ठीक है, अब बात आती है, अभी तो हमने क्या कहा, पॉजिटिव है, अब क्या है, नेगेटिव एक्सेलेरेशन के लिए हम करते हैं। नेगेटिव एक्सेलेरेशन यानी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है विद नेगेटिव एक्सेलेरेशन। तो कैसे आएगा ग्राफ, ये ग्राफ आएगा, ये टाइम एक्सिस है हमारे पास, ये पोजीशन, ठीक है। अच्छा, अगर जीरो एक्सेलेरेशन हो, जीरो एक्सेलेरेशन का मतलब क्या है, वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आए, यानी वही चीज हो गई कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म में चला जाएगा। तो अगर उसके पास पहले कुछ पोजीशन है तो यहाँ से स्टार्ट कर लो, अदरवाइज जीरो से स्टार्ट कर लेना। वैसे यहीं से ही करना चाहिए आपको, क्योंकि जीरो एक्सेलेरेशन कह रहा है यानी मूव कर रहा है वो, है उसकी कुछ ना कुछ पोजीशन है, ठीक है। तो ये पोजीशन एक्सिस है, ये क्या है, टाइम एक्सिस, ये किसके लिए है, ऑब्जेक्ट इज हैविंग जीरो एक्सेलेरेशन, ठीक है। तो ये था हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ।
अब हम करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो पहले ये नोट करें, हाँ जी, अब हम करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड मोशन। फर्स्ट, इफ ऑब्जेक्ट इज हैविंग जीरो एक्सेलरेशन, देखो ऑलरेडी वैसे हम डिस्कस तो कर चुके हैं लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में नहीं, पोजीशन टाइम ग्राफ में। जीरो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि अगर टाइम जीरो होता तो इनफाइनाइट होती ना, एक्सेलरेशन हमारा क्या बन जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। तो यहाँ और वो पॉसिबल नहीं है। और जीरो एक्सेलरेशन का मतलब है, देखो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी में यानी कोई चेंज नहीं है, दैट मीन्स या तो वो रेस्ट पे है या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो हम लेके चलते हैं कि जीरो एक्सेलरेशन का मतलब है दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो ग्राफ कैसे बनेगा? अलोंग एक्स एक्सिस टाइम, दैट मीन्स टाइम एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी, ठीक है। उसने कहा जीरो एक्सेलरेशन वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट है मतलब मान लो यहाँ पे है यू, तो यहाँ पे भी यू है, आगे भी यू है, हर टाइम पे क्या है वो यू ही है, तो वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। इसीलिए तो हमारे पास क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या बन जाएगा? वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है तो वो कितना हो जाएगा? ज़ीरो, ठीक है। तो कितना आ गया वो? ज़ीरो, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट इज हैविंग कॉन्स्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यानी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है इक्वली, कॉन्स्टेंट तो है लेकिन साथ में क्या है? पॉजिटिव, यानी वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इसमें साथ में एक लाइन और ऐड कर लो, हैविंग जीरो इनिशियल वेलोसिटी, हैविंग जीरो इनिशियल वेलोसिटी, यानी इनिशियली क्या है वो? रेस्ट पर है, उसके बाद वेलोसिटी इंक्रीज हुई है। तो हमारे पास ग्राफ क्या बनेगा? ऑलरेडी नाइन्थ में ये केस डिस्कस किया होगा आपने, टाइम एक्सिस वेलोसिटी एक्सिस, तो उसने क्या कहा है? ज़ीरो, ज़ीरो तो यहीं से स्टार्ट होगी, उसके बाद वो यूनिफॉर्म मोशन वाला केस बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी में मैं कहूँ हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी, कि ऑब्जेक्ट जो है कॉन्स्टेंट पॉजिटिव एक्सेलेरेशन के साथ मूव कर रहा है बट उसके पास कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, तो आप जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या होगा? किसी पर्टिकुलर पोजीशन से स्टार्ट करो, पोजीशन से सॉरी वेलोसिटी से, यानी यहाँ पर उसकी यू वेलोसिटी है, उसके बाद क्या है? कॉन्स्टेंट पॉजिटिव एक्सेलेरेशन बनता है, यानी उसके बाद वो कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। अब ये तो क्या था? कांस्टेंट। अब हम करेंगे इंक्रीजिंग एक्सेलेरेशन के लिए। एक्सेलेरेशन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अगर एक्सेलेरेशन इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव एक्सेलेरेशन की ही बात कर रही हूँ मैंने अभी, देखो अभी बात कर रहे हैं हम सारी पॉजिटिव एक्सेलेरेशन की, ठीक है। ये था कांस्टेंट के लिए दोनों केस, अब किसके लिए है? इंक्रीजिंग के लिए। यानी इंक्रीजिंग का मतलब क्या है? वेलोसिटी में इंक्रीज हो रहा है ना, लेकिन इक्वली नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास? वेलोसिटी, ये क्या है? टाइम एक्सिस। तो ऐसे ये बनेगा, ठीक है। किसके लिए है? हैविंग इंक्रीज या मूविंग इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये उसके लिए है, नोट करें। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्या कह रहे हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन बोल रहा है, यानी वेलोसिटी क्या होगी? इसमें डिक्रीज होगी, ठीक है। लेकिन इसमें भी दो केस बनते हैं,
कि हैविंग ज़ीरो इनिशियल वेलोसिटी और हैविंग पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी, मर्जी आपकी, सॉरी ज़ीरो नहीं, जब माइनस में है, हैविंग सम पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी एंड हैविंग सम नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी। पहला हम केस ले लेते हैं हैविंग सम पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी, तब वो डिक्रीज होएगी ना, पहले ही कुछ वेलोसिटी है उसकी, उसके बाद क्या है नेगेटिव एक्सेलेरेशन, यानी वेलोसिटी क्या हो रही है डिक्रीज ये आएगा हमारे पास। लेकिन अगर आता है यही केस कांस्टेंट एक्सेलेरेशन हैविंग सम नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी, तो ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ ग्राफ कहाँ चला जाएगा नेगेटिव एक्सिस में। ये हमारे पास टाइम एक्सिस है, ये हमारे पास वेलोसिटी एक्सिस है, और यहाँ से कुछ इस तरीके से ग्राफ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें भी क्या है, जैसे मैंने पॉजिटिव लिया यहाँ से हुआ, वो नेगेटिव एक्सिस की तरफ भी जा सकता है, और वेलोसिटी यानी इसके बाद भी वेलोसिटी क्या हो रही है डिक्रीज, एक्सेलेरेशन जो है वो क्या है नेगेटिव है, यानी वेलोसिटी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हमारे पास ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है, वो भी करेंगे हम न्यूमेरिकल्स, और इसके बाद इसमें एक पार्ट कर लेते हैं, पहले ये नोट कर ले, चलो इक्वेशंस भी कर ही लेते हैं हम। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इक्वेशंस और न्यूमेरिकल्स, आज के लिए इतना ही है, और काफ़ी दिनों बाद कुछ नया पढ़ने को मिला है, तो इसको साथ साथ कवर अप करते रहना, ठीक है, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। और न्यूमेरिकल्स आपको सेंड कर दूँगी, असाइनमेंट सेंड कर दूँगी, वो आप कंप्लीट कर लेना। ओके, थैंक यू बच्चों।